सो टू हाई में आपका स्वागत है। सो टू हाई में हम लोगों के काम, हुनर और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। इस तरह से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। सो टू हाई उन सभी लोगों को लाइमलाइट में लाना चाहता है जिनके पास टैलेंट है और अपने पैशन से आगे बढ़ रहे हैं। सो टू हाई में आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर आशीष व्यास जी हैं, जो 19 साल से एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं और 38,000 से ज्यादा लोगों के हॉरोस्कोप देख चुके हैं। आज हम इनके सफर को सुनेंगे और जानेंगे पैशन क्या कुछ नहीं हासिल करता है। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सो टू हाई में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, आपने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से की और कब की? एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की जब मैं तकरीबन कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ, 19 साल पहले की बात है। जब कॉलेज टाइम में जब मैं पढ़ाई किया करता था, साथ ही ब्राह्मण परिवार से हूँ तो पिताजी एस्ट्रोलॉजर है, बट वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ग्रैंडफादर भी एस्ट्रोलॉजर थे पर घर में कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं था। डीएनए में ही बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी था, लेकिन कभी मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ऐसा कोई झुकाव नहीं था। पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, साथ ही साथ पिताजी ने कहा कि भाई एक मंत्र दे रहा हूँ, आप कीजिए। मैं मंत्र शुरू किया, ओम गंग गणपताय नमः मंत्र, जो हर एक ब्राह्मण परिवार में लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे मैं करता था। लेकिन मेरा मंत्रों के प्रति कुछ ज्यादा ही रुझाव था, ज्यादा से ज्यादा मंत्र करने लगा। दिन के 3 से 3.5 घंटे मैंने रिलीजियस साइड रहते हुए ये किया, लेकिन उस समय भी मेरा कोई एस्ट्रोलॉजर बनने का ख्याल नहीं था। बट अचानक एक दिन ये हुआ कि पंचांग आता है, जो जिससे हम लोग यहाँ पर दिन के काल देखते हैं, जिसको हम हिंदी बोलते चौघड़िया देखते हैं, भाई मुहूर्त देखते हैं। तो पुराना कोई पंचांग हाथ में लगा और मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैंने पूरा पंचांग पढ़ा। मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। उससे पहले मेरा कोई ग्रहों से लेन देन नहीं था, ना ही मैं इसमें कुछ इतना ज्यादा बिलीव करता था। बट मैं उसको पढ़ा, मुझे लगा कि ये चीज मुझे मतलब गुड फैक्टर या कुछ सीखने लायक है, एज अ हॉबी नॉट एज अ प्रोफेशन। मैंने सीखना शुरू किया, पंचांग पढ़ा, खुद की कुंडली सबसे ज्यादा, तो कि आगे भविष्य क्या होगा। हर एक इंसान के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा भविष्य क्या होगा, तो वो पहले खुद की कुंडली देखी, घर वालों की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की। ये करते करते मैं देखते चला गया और जैसे आस पड़ोस में लोगों को धीरे धीरे पता चला भाई ये कुंडली देखते हैं, लोग दिखाने आए। तो शुरू का 6-7 साल मैं कुंडली देखता रहा, एज अ बोल सकते हैं कि सेवा कर रहा था, हेल्प कर रहा था। इससे दो फायदे हुए थे, मैं अपने नॉलेज को भी बढ़ा रहा था और लोगों के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर रहा था, और मुझे इसमें काफी सफलता भी मिली। बट मेरा ये क्षेत्र में जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं इस क्षेत्र के लिए, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये क्षेत्र को लाइफ टाइम चला पाऊंगा, मतलब इससे, क्योंकि हमें घर भी चलाना होता है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर, मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजर उस वक्त कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम आजकल जो लोकल एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के प्रति मुझे कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था। मेरा नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी को कभी उतना उस वक्त महत्व नहीं दिया। वो सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए मैंने उस समय रखा, और मैं 7 से 8 साल तक एस्ट्रोलॉजी लोगों की हेल्प करता रहा। मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करता था, मैं जॉब करता था, बड़े बड़े बैंक्स में जॉब किए, बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज में जॉब किए। लेकिन ये था कि जहां भी जाता था फ्री टाइम में कुंडली देखता था, और इससे मेरे अच्छे रिलेशन बन रहे थे लोगों के साथ, मैं देखा और लोगों के अच्छे अच्छे काम करा था। वहां से मुझे, मैं मान सकता हूँ कि मुझे सेल्स, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट का अनुभव हुआ, जो आजकल किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं होता है। मैं ब्रोकिंग सेक्टर में था तो शेयर मार्केट का भी मुझे नॉलेज था, एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज था। तो उस समय तो इतना खास लगा नहीं, उस समय तो सिर्फ रिलेशन बिल्डअप करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज किया। लेकिन आफ्टर, मतलब बहुत साल के बाद, फिर मुझे एक दिन ऐसा, जब व्हाट्सएप नहीं था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, ना ही इतना सोशल मीडिया एक्टिव था, तो उस जमाने में मैं एस्ट्रोलॉजी देखा करता था। और इस तरह से धीरे धीरे मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैं, पर उस समय मैं अगर बात करूं, उस समय तक भी मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, लोगों की सेवा ही करता था। वाह, बहुत ही दिलचस्प है। तो आपकी जॉब, कितने साल तक आप जॉब में थे और फिर आपने स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी? मैं तकरीबन 11 से 12 साल तक, 11.5 से 12 साल तक मैंने जॉब किया, जिसमें स्पेशली ब्रोकिंग सेक्टर,
बैंकिंग सेक्टर में मैंने जॉब किया, बहुत ही अच्छे हाई प्रोफाइल ब्रांच मैनेजर लेवल तक मैं पहुंचा, लेकिन सडनली एक दिन ये रहा रियल है जॉब, क्योंकि एक एक था कि मैं ब्रोकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं, खासकर देखे होंगे कि शेयर मार्केट और बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है, लोगों को लॉसेस होते हैं, तो मुझे ये लॉसेस वाला काम थोड़ा कम पसंद था, लोगों को लॉस हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे लगता था मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था जिसमें मैं भी खुश रहूं, बाकी सब भी खुश रहे, तो मुझे ये काम मुझे इतना मजा नहीं दे रहा था यहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह। इन बिटवीन मैंने मंदी भी देखी थी, तेजी भी देखी थी, 2008 की मंदी देखी थी, फिर 2009 की तेजी शेयर मार्केट में देखी थी, तो मुझे ये सेक्टर कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था यहाँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ और करता हूँ, उस वक्त भी मैंने फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी का नहीं सोचा था, हालांकि हर रोज मेरे 6 से 7 कुंडली मेरा देखना होता ही था, शाम को घर पे जब आता था तो 4-5 कुंडली तो मेरी वैसे ही पेंडिंग होती थी, तो हर रोज मैं ये देखता ही था, बट आफ्टर और देखते हैं सोच के मैंने फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, और उसमें मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, खासकर बड़े बड़े जो भी आजकल तो सोशल मीडिया में है भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे नेटवर्क है, तो उन सबका सहारा लिया और उसमें मुझे सफलता मिली, काम प्रेडिक्शन अच्छा किया, स्किल अच्छा था, रिजल्ट मिलने लगा, तो लोगों ने सहारा और फिर लोगों सराहा और फिर लोगों ने सपोर्ट भी किया, और फिर आगे इस तरह से मैं बढ़ता गया। तो आपकी जो हॉरोस्कोप रीडिंग का स्टाइल है वो कैसे अलग है? देखिए मैं वो एस्ट्रोलॉजी तो सबके लिए मुझे लगता है सेम ही है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को डराऊ नहीं, मैंने खासकर खुद भी जब एस्ट्रोलॉजी सीखा था तब मैं मिलने जाता था कुछ पंडितों से, तो राहु, केतु, शनि, 7.5 काल सब, ये सब चीजों से बहुत डरा देते हैं, स्टोन पहनो, ये पूजा करवाओ, पितृदोष, वो सब चीजों से मुझे थोड़ा सा कम पसंद था। मैं किसी भी अपने जातक को या अपने क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप स्टोन पहन लो, आप ये पूजा करवा लो। आई बिलीव दैट हमारे कर्माज अच्छे हैं, ग्रह अच्छे रहेंगे, हमारे कर्माज कोई बुरे रहेंगे तो ग्रह वीक है, उसके रिगार्डिंग हमें पर्टिकुलर रिलीजियस साइड रहते हुए उन रिलेटेड ग्रहों की या तो फिर उनके देवताओं की खुद ही भक्ति करनी पड़ती है, खुद ही कर्म करना है, इसलिए स्टोन या हमारे बिहाफ पे पंडित जी करे ये मुझे लग रहा है कि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज से मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को प्रेडिक्शन करते वक्त डराता नहीं हूँ, ना ही उन्हें कोई चीज करने के लिए कि भाई आप ये करवा लो वो करवा लो। तो और एक चीज है कि मेरा जो कंसल्टेशन का स्टाइल है ऐसा है कि ज्यादातर लोग प्रेडिक्शन करने के बाद जब दूसरी बार उनको कोई प्रॉब्लम होता तो पूछने आते थे तो फिर से चार्ज लेते थे। मैंने ये शुरू किया कि मैं अपने क्लाइंटों को अनलिमिटेड कंसल्टिंग दे रहा हूँ, क्या पूरा साल मुझे जितनी भी बार पूछना हो पूछो, सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी है, तो इससे क्लाइंट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि नहीं चलो पंडित जी हमारे साथ है। आज अगर मैंने कोई प्रिडिक्शन किया है कि जॉब आपको मिल जाएगा और अगर उनको प्रॉब्लम हो रही मिलने में तो मुझे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पूरा साल अनलिमिटेड कंसल्टिंग, कोई खर्चा नहीं करवाना। दूसरा मैं अपने सोशल मीडिया का, मेरा अच्छा नेटवर्क है तो मैं उनको जॉब मिलने में भी हेल्प करता हूँ कि भी उनका सीवी को अपने पोस्ट करता हूँ अपने लिंक्डइन पे, अपने अलग अलग सोशल नेटवर्क पे, तो इससे उनको जॉब मिलने में भी आसान, मतलब प्रैक्टिकली तो हेल्प करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भी हेल्प करता हूँ, मतलब दोनों तरीके से हेल्प करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट को मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ, और अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है तो वो फिर नेक्स्ट ईयर मुझे ऑटोमेटिकली मेरे सर्विस को रिन्यू करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक, इसको आप मार्केटिंग स्किल बोलिए या काम करने का तरीका बोलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों से मैं कनेक्ट हूँ वो लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो, जैसे पर्सनल डॉक्टर होता है वैसे ही पर्सनल एस्ट्रोलॉजर। वाओ, ये तरीके से मैं मतलब बहुत ही अच्छा थॉट है, थैंक यू। तो आशीष जी ये बताइए, कुछ ऐसा श्लोक बताइए जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करे। देखिए वैसे तो बहुत सारे श्लोक है हेल्थ के लिए है, वेल्थ के लिए है, लेकिन मैं एक श्लोक ऐसा बताता हूँ जिसके अंदर सभी चीजें आ जाती है, जो शायद करने में भी शायद इतनी मुश्किल नहीं होगी, बहुत सिंपल श्लोक है, डेली अगर हम 15 मिनट वो श्लोक करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ श्लोक है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु
रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। ये मंत्र में हेल्थ वेल्थ मनी विद्या रूप सभी चीजें आ जाती है। ये सभी चीजों के लिए हम देवी से या देवता से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें ये प्रदान करेंगे। तो ये श्लोक कितना बार करना है? सिंपल श्लोक है, डेली 15 मिनट करने से। अच्छा 15 मिनट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी आप 3 माला कीजिए या तो फिर 15 मिनट आप ये श्लोक का रटन कीजिए, आपको फायदा होगा। ओके, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मन करता है एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन ले, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट होता है और इतना फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग हुआ या डॉक्टर बनना हुआ, तो पेरेंट्स भी उतना मोटिवेट नहीं करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन लो, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसका एक ही चीज है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो सब एस्ट्रोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर है, मैं ये बोल सकता हूँ। आज अगर कोई चीज फेमस है तो वो फेमस इसीलिए क्योंकि वो चीज को फैलाने वाले लोग अच्छे हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर है अगर वो सही तरीके से काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एज अ भगवान की देन समझ के अगर हम काम करेंगे और जेन्युइनली काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फेमस होगा। हर एक पंडित अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अगर काम करता है तो वो इतना, अभी जितना एस्ट्रोलॉजर के रिगार्डिंग या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो बुरा बोला जाता है वो इसलिए क्योंकि लोग गलत तरीके से उसका पैसे कमाने में यूज करते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखना है उसको जेन्युइन वे से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, कोई रिलीजियस कोई मंत्र का साथ लेते हुए, मतलब मंत्र करते हुए अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीखता है और सही तरीके से कि नहीं जो मुझे कुंडली दिखाने आएगा जो मुझसे कंसल्ट करेगा उसे मुझे सही में हेल्प करनी है, सिर्फ पैसे नहीं कमाने, पैसा कमाना बहुत जरूरी है लेकिन उनको हेल्प भी करनी है, सही मार्गदर्शन देना है, गलत खर्चे नहीं करवाने हैं। तो अगर आप कोई जेन्यून एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देते हैं तो उससे वो भी समझेगा कि नहीं अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी है दुनिया में। जैसे कुछ डॉक्टरों है इंजीनियर है उनका अच्छा काम देख के हमको लगता है नहीं डॉक्टर इज ग्रेट, जैसे कोविड सिचुएशन में डॉक्टर हमें भगवान के समान लगे, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी भी अगर अपना सही में रोल निभाते हैं तो लोग डॉक्टर और इंजीनियर की तरह एस्ट्रोलॉजर को भी सम्मान देंगे क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान देना तो वैसे हमारी संस्कृति है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर सही मायनों में गलत सलत खर्चे ना करवाए और सही तरीके से अगर उनको गाइडेंस दे और सपोर्ट करे तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी का भी स्तर हम ऊपर ला सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी हम फेमस कर सकते हैं और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखना है वो उस फील्ड में मेहनत कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, तो जैसे मैंने किया था शुरू के 6-7 साल मैंने फ्री में कुंडली देखी थी, 2-3 घंटे जब मैं प्रेडिक्शन करता था तब जाके सामने वाला बंदा मुझे याद है आज भी कि उस जमाने में मुझे 5-10 रुपए देते थे और मैं उसमें भी ना बोलता था नहीं ये विद्या है इसके पैसे नहीं लेने चाहिए ये वो, तो उस जमाने में मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मैं नहीं, और फिर ये हुआ कि भाई जो आप दो मैं उस हिसाब में मानता हूँ। लेकिन आई पर्सनली फील दैट कि लोगों का भी यहाँ पर सामने लोगों का भी जो परसेप्शन है आज मैं देखता हूँ ज्यादातर पीपल फ्री में ज्यादा बिलीव करते हैं तो वो भी गलत है। उनको भी समझना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजर का भी घर इसी से चलता है, तो उनको भी जेन्युइन होके उनको जो उनका बनता है उतना फीस जो ऑफर करे वो देना चाहिए। अगर आप फ्री के एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको फिर रिजल्ट भी फ्री वाला ही मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि आई बिलीव दैट के फ्री का मार्गदर्शन भले सामने वाला दे रहा है बट आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उन्हें कुछ जेन्युइन वे से जो भी आप दूसरों को दो उससे आधा है लेकिन एटलीस्ट देना चाहिए। तो जो अगर एस्ट्रोलॉजी इस वक्त सीखना चाहते हैं पहला तो उनका पूरा रुझान जेन्युइन होना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं सेवा करने के लिए कर रहा हूँ, दूसरा सही तरीके से सीखना चाहिए, स्किल लेवल अगर प्लस माइनस होगा तो चलेगा लेकिन इंसान की इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी कम नहीं होनी चाहिए। तो सीखते हुए शुरू का कुछ साल उनको फ्री में कुंडली देखना चाहिए, जब लोग उन पर ट्रस्ट करने लगे तब आफ्टर सम टाइम उनको फिर कहना चाहिए कि अब मेरा फीस ये है 200 रुपये 500 रुपये, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े वो अपना फीस बढ़ा सकते हैं, अपना काम अच्छा कर सकते हैं। तो जितना जेन्युइन वे से बंदा आगे बढ़ेगा उतना ही वो अपने बोल सकते हैं कि काम को ग्रो करवा सकता है और एस्ट्रोलॉजी का भी नाम ऊंचा कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा सोच, और सब यही सोच करके करे काम, कोई भी काम मन साफ हो तो सफलता मिलना ही मिलना है। वेरी राइट। हाँ तो आशीष जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके,
और आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज जान करके बहुत ही अच्छा लगा। सो टू हाई में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, इंटरव्यू लिया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीडियोज, ऐसे इंटरव्यूज और भी एस्ट्रोलॉजर्स दे, ताकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो गलत फहमियाँ है वो दूर हो, लोग एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा समझे। हर एक एस्ट्रोलॉजर बुरा नहीं होता, और ये जो विद्या है उसका मैक्सिमम अच्छा उपयोग हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच।